Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आज के अपने इस बारहवें सत्र के साथ जो हम फाउंडेशन्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के इस कड़ी में जो ये कोर्स है जिसमें हम आज अपना ये बारहवा सत्र इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इस सत्र में हमने जो पिछले अपने सत्र में जो चर्चा की थी स्मृति के बारे में मेमोरी के बारे में उसके और जो उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम और आगे अपनी चर्चा को आज यहाँ उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और उससे संबंधित जो तथ्य हैं स्मृति के विभिन्न मॉडल और उसको प्रभावित करने वाले कारक और साथ ही साथ स्मृति विलोपन यानी फॉरगेटिंग की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित भी कुछ बातें हम आज यहाँ पर करेंगे तो सर्वप्रथम अपने पिछले सत्र में हमने जिस तरह से ये देखा कि एटकिंसन एंड शिफरिन ने जो मॉडल अपना दिया था जिसमें उन्होंने स्टेजेज़ ऑफ मेमोरी को दर्शाया था उसके बारे में उन्होंने बताया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो स्मृति है मेमोरी है वो तीन चरणों में यानी कि तीन तरह की अलग अलग स्टेजेज़ में वो उसको हम बांट सकते हैं जैसे पहला सेंसरी मेमोरी में उन्होंने उसको बांटा जिसमें सेंसरी मेमोरी उसके अंदर आइकॉनिक मेमोरी और इकोइक मेमोरी उसके बाद उससे सूचना जब आगे बढ़ती है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और फिर उसके आगे जब उन्होंने उसको दर्शाया कि उसके आगे जब सूचना जाती है तो एक हमारा अलग सिस्टम है एक उससे आगे का सिस्टम है जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं तो इस प्रकार से सूचना लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है इसके साथ ही साथ लॉन्ग टर्म मेमोरी के अपने भी कुछ कंपोनेंट्स हैं यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जाता है और उससे उसके अंदर मौजूद सूचनाओं का जो स्टोर्ड हैं उनके बारे में उनके नेचर के बारे में उससे उसका अंदाज़ा लगाया जाता है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी दो प्रकार की महत्वपूर्ण उसके अंदर डिविजन्स हैं यानी उसके दो महत्वपूर्ण भाग हैं एक ऐसा भाग जो जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी जो हमें जिसके बारे में हमें स्वतः ज्ञान है हमें उसका अंदाज़ा है हमें पता है कि वो स्मृति हमारे अंदर मौजूद है और हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं यानी कि हम उसे बता सकते हैं हम उसको प्रकट कर सकते हैं तो इस प्रकार की जो मेमोरी है इसीलिए इसको डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है और डिक्लेरेटिव मेमोरी का अर्थ यहाँ पर यह है कि ऐसी स्मृति जो हम अपने जिसके बारे में हमें ये जानकारी है कि ये स्मृति हमारे पास मौजूद है और जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको किसी भी रूप में प्रकट कर सकते हैं किसी भी समय पर तो जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है यानी एक्सप्लिसिट मेमोरी इसको भी इसके आगे दो इसके डिविजन्स हैं पहला जो डिविज़न है उसको एपिसोडिक मेमोरी यानी प्रासंगिक स्मृति कहते हैं और जो दूसरा डिवीज़न है उसे सीमेंटिक मेमोरी यानी अर्थगत स्मृति कहते हैं अब एपिसोडिक मेमोरी का यहाँ पर अर्थ ये है कि ऐसी स्मृति जो समय से जुड़ी हुई हो यानी कि किस समय पर कौन सी घटना हुई कौन सा इवेंट हुआ कौन सी उस समय पर हमें अनुभव हुए वो सभी प्रकार की जो स्मृतियाँ हैं उससे जुड़ी हुई यानी अगर हम इसको इस प्रकार से देखें कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि जब आप आ, हाई स्कूल का परीक्षा देने गए थे तो उस दिन पर वहाँ पर क्या क्या हुआ किस प्रकार का वहाँ दृश्य था किस तरह से वहाँ पर लाइन लगी हुई थी और बच्चे वहाँ अपना एडमिट कार्ड लेकर पहुँचे हुए थे और इस प्रकार की कोई भी स्मृति जैसे आपका पिछला जन्मदिन हो और उसमें किस प्रकार से आपने उसको सेलिब्रेट किया या फिर आपका आपके घर में कोई बड़ा इवेंट हुआ हो जिस इवेंट में आपने भाग लिया हो कोई शादी या कोई पार्टी या इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में उससे जुड़े हुए जो उससे जुड़ी हुई स्मृतियां हैं वो हमारी एपिसोडिक मेमोरी में उसको जगह मिलती है इसके साथ ही जो सीमेंटिक मेमोरी है सीमेंटिक मेमोरी हमारे बहुत हद तक उन तथ्यों के बारे में उन फैक्ट्स के बारे में वो स्मृति होती है जिसको जिसका अर्थ हम समझते हैं जिसको हम अपनी स्मृति में यानी अपने ब्रेन में उसको ऑर्गेनाइज करके उसको रखते हैं उस इंफॉर्मेशन को तो इस प्रकार की जो स्मृति होती है उसे हम सीमेंटिक मेमोरी कहते हैं जैसे आप जो भी पढ़ाई करते हैं स्कूल में या कॉलेज में और वहाँ पर जो भी चीज़ें आप सीखते हैं जो भी उनका अर्थ आपको मिलता है जैसे सपोज अगर हम इसको उदाहरण के लिए देखें तो या जैसे आप कैटेगराइजेशन करते हैं कि एनिमल अगर हम शब्द का अगर यहाँ पर उसको बाइफरकेट करें तो एनिमल शब्द से हमको ये तात्पर्य मिलता है कि वो सभी जो जीव जंतु हैं जो कि हमारे हमारे समाज में या हमारे इस पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं उन सभी को हम एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं जिसमें हम ह्यूमन बींग्स को भी रखते हैं और साथ ही साथ वाइल्ड एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स इसकी फर्दर कैटेगरी है यानी इसके और आगे कैटेगराइजेशंस हैं फिर उसमें हम ह्यूमन बींग्स को सोशल एनिमल की संज्ञा देते हैं उसी प्रकार से बहुत से ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं जो जिनकी प्रवृत्ति अलग होती है उन्हें हम वाइल्ड एनिमल की संज्ञा देते हैं और उसके अलावा कुछ एनिमल्स जैसे डॉग हुए या काऊ है इस तरह के कुछ एनिमल्स हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स की संज्ञा देते हैं तो ये उस इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार से हम सीमेंटिक मेमोरी यानी कि यानी यहाँ पर जो हमने इन सूचनाओं को अपने पास स्टोर किया है उसको हमने इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया है इस तरह से उसको एज ए फैक्ट हमने रखा है कंसेप्चुलाइज करके कि वो हमारी अर्थगत यानी इनका अर्थ के आधार पर हमने इनको अपनी स्मृति में स्थान दिया है इसलिए ये हमारी सीमेंटिक मेमोरी है और सीमेंटिक मेमोरी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है उसे कहते हैं सीमेंटिक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल और वो हमारे ब्रेन में इसकी मौजूदगी को लेकर के कुछ शोध हुए जिसमें से एक महत्वपूर्ण शोध है जिसकी मैं यहाँ पर आपके लिए चर्चा करूँगा ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें एक शोध में ये देखा गया कि जब प्रतिभागियों से ये कहा गया कि उन्हें कुछ सवालों के उत्तर देने हैं हाँ या ना में तो इस प्रकार के सवाल जो जिनका उन्हें तात्कालिक जवाब पता था यानी कि हम यूँ कह लें कि सिमेंटिक मेमोरी में अगर हम उसको कहें तो लेयर वाइज ऑर्गेनाइजेशन है अगर हम इसको यहाँ कहें लेयर वन इसके बाद लेयर टू या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये लेवल हो गए हमारे सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें लेवल वन लेवल टू और लेवल थ्री अगर इसको हम उदाहरण के तौर पर जैसे हमने अभी जो उदाहरण लिया था यदि हम उसी को रखें तो ये पहला कैटेगराइजेशन हो गया एनिमल का दूसरा कैटेगराइजेशन हो गया वो किस प्रकार का एनिमल है सोशल एनिमल वाइल्ड एनिमल या फिर आ, उसको हम कह सकते हैं कि वो डोमेस्टिक एनिमल तो हम यहाँ पर इसको वाइल्ड एनिमल ही रखते हैं और उसके बाद उस वाइल्ड एनिमल में भी वो हार्बी वोरस है या कार्निवोरस है यानी कि वो शाकाहारी है या वो घास फूस खाता है या फिर वो मांसाहारी है तो इस प्रकार से हम उसका डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर इस तरह के कुछ प्रश्न उन प्रतिभागियों के सामने रखे गए जिसमें उनसे ये कहा गया कि आपको इन सवालों के तात्कालिक जवाब देने हैं कि यदि कोई जानवर है तो उनसे ये सवाल किया गया कि लॉयन इज अ एनिमल यानी कि शेर एक जानवर है इसका आपको यस और नो में आंसर देना है साथ ही साथ कुछ और भी प्रश्न किए गए जो कि हमने अभी जो स्तर देखे यानी लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री के उसी तरह से उनको कुछ आगे के प्रश्न भी पूछे गए जिसमें उनको लेवल थ्री के प्रश्न पूछे गए यानी कि जिसमें उन्हें अपनी स्मृति के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन में उनको आगे के लेवल तक उस सूचना को खोज कर वहाँ से निकालना था इस प्रकार के प्रश्न उनसे किए गए जैसे उदाहरण के लिए कि क्या शेर कार्निवोरस है या हार्बीवोरस है तो इस प्रकार के जो आगे सूचनाएँ हैं तो इसमें ये पाया गया कि जब उनसे शुरुआती स्तर के यानी कि फर्स्ट लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन के जब उनसे सवाल किए गए तो वहां पर उनका जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी फास्ट था यानी कि जो उत्तर उन्होंने दिया यस और नो में वो बहुत फास्ट आया लेकिन जब उनसे आगे के लेवल के प्रश्न किए गए तो उसमें उनके रिस्पॉन्स देने में थोड़ा समय लगा इससे ये पता चलता है कि जो सीमेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जो स्टोर हो रही है वो लेवल्स में स्टोर हो रही है और वो सभी सूचनाएं आपस में ऑर्गेनाइज्ड हैं कनेक्टेड हैं जुड़ी हुई हैं और इस तरीके से ये सभी सूचनाएं हमारे ब्रेन में उपस्थित हैं और इसके बाद जो दूसरा जो डिवीज़न है लॉन्ग टर्म मेमोरी का जिसको हम नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं एक ऐसी स्मृति जो हमें जिसके बारे में हमें खुद उसका ज्ञान नहीं होता यानी उसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते कि ऐसी कोई स्मृति हमारे पास है यानी उसकी मौजूदगी को हम प्रकट नहीं कर सकते हम किसी को उसे बता नहीं सकते उसके बारे में हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते इसके उदाहरण के लिए आप रोज़मर्रा में ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं जो कि हमारी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी और इसको प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं यानी कि जो इम्प्लिसिट मेमोरी है उसको हम प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं और प्रोसीजरल मेमोरी का यहाँ पर अर्थ ये है कि जैसे जो भी हमारे ऐसे स्किल्स हैं या ऐसे जो कार्य हैं जहाँ पर हमारी मसल्स और मसल मेमोरी डेवलप होती है और उस कार्य को हम यूँ कह लीजिए कि बिना ज़्यादा ध्यान दिए या बिना उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे हम उसको स्वतः कर लेते हैं और इस प्रकार की जो हमारी मेमोरी है उसे हम प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं उदाहरण के लिए साइकिल चलाना जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है यदि आपसे कोई कहे कि आप साइकिल चलाने की जो आपकी स्मृति है आप उसको बताइए शब्दों में तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि किस प्रकार से आप ये जानते हैं कि साइकिल को कैसे चलाया जाए बस आप उसको चला के दिखा सकते हैं उसी प्रकार से आपसे यदि कोई कहे कि आप डांस करते हैं या यदि आप नृत्य करते हैं तो आप उसकी मेमोरी को बताइए तो आप इस प्रकार के जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं या इससे रिलेटेड जैसे स्पोर्ट्स बहुत एक इसका अच्छा उदाहरण है आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आप बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं या आप टेनिस खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं तो इस प्रकार के जितने भी खेल हैं या एक्टिविटीज़ हैं उन सभी से रिलेटेड जो हमारी मेमोरीज़ हैं वो हमारी प्रोसीजरल मेमोरी है वो हमारी एक प्रकार की मसल मेमोरी है वो हमारे ऐसे हमारे ब्रेन में इस प्रकार से स्थित है कि हम उसको दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकते हाँ परंतु आवश्यकता पड़ने पर हम उसको स्वतः ही उसको प्रदर्शित कर सकते हैं यानी उस एक्टिविटी को उस प्रोसीजर को हम रिपीट कर सकते हैं उसको दोबारा से हम कर सकते हैं जैसे उदाहरण के लिए यदि हमें बहुत समय हो जाता है कभी कभी आजकल चूंकि एक ऐसा समय आ गया है कि बहुत सारे लोग बचपन में उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था लेकिन आगे आने के साथ वो साइकिल चलाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती और उसके साथ साथ काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वो पुनः वो साइकिल चलाने जाते हैं तो वो दोबारा से साइकिल चलाना उनके लिए बहुत आसान होता है और वो साइकिल को आराम से चला लेते हैं तो इससे ये पता चलता है कि इस तरह की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो जो हमने एक बार सीखी हैं उसकी स्मृति हमारे अंदर मौजूद है परंतु हमें उसका यूँ कह लीजिए कि उसको हम प्रकट नहीं कर सकते उसको बता नहीं सकते शब्दों में परंतु वो फिर भी हमारे अंदर स्थित है तो इस प्रकार की जो स्मृति है उसको प्रोसीजरल मेमोरी यानी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं एक ऐसी मेमोरी जो कि प्रत्यक्ष रूप से हम उसको प्रकट नहीं कर सकते इसके बाद इसी क्रम में जैसा हमने अपने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी कि हम लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग की बात भी करेंगे क्योंकि हमने ये देखा कि जो एटकिंसन और शिफरिन का जो मॉडल है उस मॉडल में उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से जो सूचनाएं हैं वो सेंसरी मेमोरी के आ, में पहले आकर वो कलेक्ट होती हैं या यूं कह लीजिए कि वहाँ पर वो सर्वप्रथम आकर रिसीव होती हैं उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड होती हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में और शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसकी बहुत लो लेवल की प्रोसेसिंग होने के बाद या यूँ कह लीजिए कि वहाँ पर कुछ समय तक रहने के बाद वो सूचना आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और हमने वहाँ पर यह भी देखा जब हमने इलेबोरेटिव रिहर्सल की बात की तो वो इलेबोरेटिव रिहर्सल का जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं यानी कि हम जब सूचनाओं को उनके बढ़े हुए स्तर पे यानी उनको उनके अर्थ के स्तर पे जब हम जा कर के उनकी प्रोसेसिंग करते हैं तो वो डीप प्रोसेसिंग कहलाती है और इस तरह की प्रोसेसिंग के बाद जो सूचना है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको जगह मिलती है और इस वजह से वो सूचना हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लंबे समय के लिए मौजूद रहती है अब इसको हम आ, क्रेक एंड लोकहार्ट के इस लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल में उन्होंने दो प्रकार के स्तर की बात की एक शैलो लेवल यानी कि एक सतही तौर पर जब प्रोसेसिंग होती है किसी सूचना की तो वो सूचना काफ़ी कम समय के लिए हमारी स्मृति में रहती है या यूँ कह लें कि वो हमारी स्मृति में उतनी मजबूती से अपनी जगह नहीं बना पाती और इसलिए इस तरह की जो सूचना है या तो वो हमारी स्मृति में बहुत कम समय के लिए रहेगी या वो फिर बहुत जल्दी ही हमारी स्मृति से उसका लोप हो जाएगा इसी प्रकार से जब डीप प्रोसेसिंग होती है यानी डीपर प्रोसेसिंग होती है तो इस प्रकार की सूचना हमारे मस्तिष्क में हमारी स्मृति में लंबे समय के लिए रहती है और जब भी हम उसको दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं यानी उसको रिट्रीव करना चाहते हैं तो इस प्रकार की मेमोरी को हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं और सही से एक्सेस कर पाते हैं इसलिए इसको हम डीपर प्रोसेसिंग कहते हैं इनके इस मॉडल से जुड़ा हुआ एक शोध जो क्रेक एंड टुलविंग ने किया था उसमें उन्होंने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को कुछ वहाँ पर कार्य दिए जिसमें पहला जो कार्य था जिसको हम यहाँ संज्ञा देंगे एक ही उसमें उन्होंने उनको कुछ शब्द दिए और उस शब्द को केवल उन्होंने ये कहा कि आपको ये बताना है कि ये शब्द कैपिटल लेटर्स में मौजूद है या फिर स्मॉल लेटर्स में यानी कि वहाँ पर उन्हें सिर्फ उन शब्दों की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान देना था जो पहला स्तर पे उनको शब्दों को प्रकट किया गया दूसरे कुछ शब्द उनको जब दिए गए तो उसके बारे में उन्हें उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आगे चल के उनको ये कहा गया कि आपको इन शब्दों में ये भी ध्यान देना है कि या क्या ये शब्द किसी तरह से राइम कर रहे हैं यानी क्या इनके बीच में कोई तुकबंदी बन रही है या किसी प्रकार से ये बोलने में आपको किसी प्रकार से इसकी साउंड आपको राइम कर रही है तो ऐसे शब्दों पे उन्हें कहा गया कि उनको उन शब्दों की साउंड प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है और उसके बाद एक और कैटेगरी उन्होंने इसी में प्रतिभागियों को आगे दी जिसमें उन्होंने कुछ शब्दों को कहा कि आप उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उनकी साउंड प्रॉपर्टीज़ पर भी ध्यान दीजिए और साथ ही साथ इसके बाद उनसे एक तीसरे तरह का सवाल किया गया जिसमें उनको ये पूछा गया कि क्या जो शब्द आप यहाँ ये देख रहे हैं ये किसी प्रकार से किसी सेंटेंस में फिट होता है यानी कि क्या हम इसका कोई उपयोग कर सकते हैं तो इस प्रकार से उन्हें तीन स्तर पर उन वर्ड्स को प्रोसेस कराया गया तो ये पाया गया इस स्टडी के बाद कि जो वर्ड्स केवल एक लेवल तक प्रोसेस कराए गए यानी कि उसकी प्रोसेसिंग सिर्फ फिज़िकल लेवल पर कराई गई यानी कि वो शब्द केवल उनसे ये पूछा गया था उस शब्द के बारे में कि वो कैपिटल लेटर्स में मौजूद हैं या स्मॉल लेटर्स में मौजूद हैं तो इस तरह के जो शब्द हैं उनको ये माना गया कि इनकी जो प्रोसेसिंग है वो लो लेवल की है और इसके बाद जो अगला जो स्तर है जिसमें कि उन शब्दों की फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ उनकी साउंड प्रॉपर्टी पर भी उनका ध्यान यानी उससे जुड़े हुए भी उनसे सवाल किए गए कि क्या वो किसी प्रकार से राइम कर रहे हैं क्या उनकी साउंड में कोई ऐसा उनको सामंजस्य दिखा तो इस प्रकार के जो सवाल थे इसको माना गया कि ये उससे कंपेरेटिवली जो पिछले ए लेवल पे जो थे उनसे ज़्यादा इनकी प्रोसेसिंग हुई और इसके बाद तीसरा स्तर जो है सी यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनकी जिनके बारे में तीन प्रश्न किए गए तीनों प्रश्न किए गए पहला प्रश्न जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से जुड़ा था दूसरा प्रश्न जो उसकी साउंड प्रॉपर्टी से जुड़ा था और साथ ही साथ जो तीसरा प्रश्न था जो कि उस वर्ड के यूज़ के बारे में था यानी कि उसको आप किस प्रकार से एक सेंटेंस में फिट करके उसका यूज़ कर सकते हैं उसको किस प्रकार से आप इस्तेमाल में ला सकते हैं इससे जुड़ा हुआ जो सवाल था वो तीनों ही सवाल जिन वर्ड्स के बारे में किए गए उनको ये माना गया कि उनकी जो प्रोसेसिंग है वो डीपेस्ट यानी सबसे डीपर लेवल की प्रोसेसिंग उन शब्दों की हुई तो यहाँ पर उनको एक बड़ा ही रोचक जो फाइंडिंग मिली जो उन्होंने इस स्टडी में देखी वो ये थी कि जो लो लेवल के जिसकी प्रोसेसिंग हुई है जिन शब्दों की यानी जिनसे जुड़ा हुआ केवल पहला सवाल किया गया था उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से इस प्रकार के शब्दों को जब उन्हें कहा गया तो अमूमन एक औसतन देखा गया कि उसमें 18 प्रतिशत ही वो उस शब्द को दोबारा उसको उसको बता पाए यानी जो उनसे कहा गया कि जब आप इस शब्द को रिपीट कीजिए तो वो केवल 18 प्रतिशत बार इस शब्द को सही बता पाए जब उन्हें दूसरे जो शब्द थे जो बी लेवल तक जिसकी प्रोसेसिंग की गई उसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो लगभग औसतन उसको 45 प्रतिशत तक उसको सही बता पाए और इसके बाद वो शब्द जिससे जुड़े हुए तीनों सवाल उनसे किए गए जिसकी ये माना गया कि डीपेस्ट प्रोसेसिंग हुई इस प्रकार के जो शब्द थे उसकी जो करेक्ट रिस्पॉन्स की जो परसेंटेज थी वो देखी गई सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर इस शोध से ये पता चला कि वाकई में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसका अलग अलग स्तर पे प्रोसेसिंग होता है और उसके आधार पर उसकी मेमोरी स्टैब्लिश होती है और अगर लेवल ऑफ़ प्रोसेसिंग अगर ज़्यादा डीपर है यानी कि अगर लेवल ऑफ़ प्रोसेसिंग ज़्यादा इलेबोरेटिव की गई है ज़्यादा अच्छे तरीके से अर्थगत तरीके से की गई है तो इस प्रकार की जो प्रोसेसिंग होगी उससे जो स्मृति बनेगी वो ज़्यादा स्थाई होगी और ज़्यादा गुणकारी होगी तो इस प्रकार से ये जो स्टडी की गई इससे ये तो स्थापित हुआ कि क्रेक एंड लोक का जो ये लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल है ये एक प्रकार से ये दर्शाता है कि सूचना को यदि गहराई के लेवल तक उसकी प्रोसेसिंग की जाए अर्थगत तरीके से उसकी प्रोसेसिंग की जाए तो उस उसकी स्मृति ज़्यादा प्रभावशाली होती है ज़्यादा स्थायी होती है लेकिन इस मॉडल के साथ साथ के साथ कुछ छोटी सी समस्याएं भी हैं जिनका जिक्र यहाँ जरूरी है आपकी समझ के लिए और उसमें से एक समस्या ये है कि कौन सी लेवल को प्रोसेस कौन सी लेवल की प्रोसेसिंग को हम ये मानेंगे कि वो डीप लेवल की प्रोसेसिंग है या डीपर लेवल की प्रोसेसिंग है या लो लेवल की प्रोसेसिंग है इस प्रकार का जो डिस्टिंक्शन कर पाना बड़ा ही कठिन है क्योंकि सूचनाएं जो हैं उनका नेचर अलग अलग होता है उसका महत्व हमारे लिए अलग अलग होता है और कई बार कुछ सूचनाएं हमारे लिए उनकी प्रोसेसिंग डीपर न होते हुए भी वो हमारी स्मृति में ज़्यादा लंबे समय के लिए रह पाती हैं तो इस प्रकार की कुछ इस मॉडल के साथ जो ये मॉडल उसको स्पष्ट कर पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाता है और साथ ही साथ इस मॉडल में ये भी इसकी एक एक और जो समस्या है इस मॉडल की या यूँ कह लें कि इस मॉडल में एक और जो जिस बात को ये नहीं बता पाता है और वो ये है कि जब आप किसी भी प्रश्न को या किसी भी इन्फॉर्मेशन को जब आप बार बार वो आपके सामने से गुजर रहा है यानी जब आप उसका बार बार मेंटेनेंस कर रहे हैं यहाँ पर हम इलेबोरेटिव रिहर्सल की बात नहीं करते यहाँ हम कहते हैं कि जब मेंटेनेंस रिहर्सल भी यदि बार बार हो रहा हो तो ये बड़ा ही मुश्किल है मानना कि ऐसी परिस्थिति में हमारा जो ध्यान होगा वो उसके मीनिंग की तरफ नहीं जाएगा वो केवल उसके मेंटेनेंस पर ही लगा रहेगा और इस प्रकार से उसकी प्रोसेसिंग डीपर नहीं हो पाएगी तो ये भी एक ऐसा इस मॉडल के साथ जुड़ा हुआ एक कह सकते हैं कि एक ऐसा तथ्य है जिसको स्पष्ट करने में ये मॉडल सक्षम पूरी तरह से नहीं है इसके बावजूद ये मॉडल अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन समझ हमें ये देता है कि, कि किस प्रकार से हमारी जो स्मृति है जो कई इन्फॉर्मेशन जब हम उसको डीपर लेवल तक प्रोसेस करते हैं तो वो हमारी स्मृति में ज़्यादा लंबे समय के लिए रह पाती हैं इसके बाद मैं आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर जब हमने अभी तक जितनी भी मेमोरी की चर्चा की स्मृति की जो टाइप्स की चर्चा की उसके लिए यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि उसको हम कैटेगराइज़ कर सकें ताकि जितनी भी हमने अभी तक बातें की हैं स्मृति से संबंधित उसको हम एक फ्रेम में देख सकें यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेमोरी में सर्वप्रथम जो उसके तीन प्रकार हैं उसमें पहला होगा सेंसरी मेमोरी यहाँ पर हम एम का इस्तेमाल मेमोरी के लिए कर रहे हैं उसके बाद दूसरे प्रकार की जो स्मृति है उसको हम संज्ञा देंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी की और इसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे एस से और जो तीसरे प्रकार की जो मेमोरी है जिसकी हमने चर्चा की उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी एल टी एम अब सेंसरी मेमोरी को जैसे हमने पहले चर्चा की इसको आइकॉनिक और इकोइक मेमोरी में इसको बांटा जाता है आइकॉनिक मेमोरी वो स्मृति है जो हमारे विजुअल इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई है और इकोइक स्मृति वो स्मृति है जो हमारे साउंड इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई है और शॉर्ट टर्म मेमोरी को आगे चल करके इसको ही वर्किंग मेमोरी के रूप में भी देखा गया हालांकि बहुत सारे विद्वानों का इस पर यह मत है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी एक अलग सिस्टम है और वर्किंग मेमोरी उससे एक एडवांस सिस्टम है जहां पर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है हालांकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी ही वर्किंग मेमोरी है और वहाँ पर एक्टिव प्रोसेसिंग होती है इन्फॉर्मेशन की और वर्किंग मेमोरी अपने आप में एक बहुत ही आज के समय में एक्सेप्टेड और डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है जिसको कि एलन बैडली ने प्रपोज किया था और इसमें उन्होंने अलग अलग उसके कंपोनेंट्स वर्किंग मेमोरी के कंपोनेंट्स बताए थे जिसमें उन्होंने फोनोलॉजिकल लूप उसके बाद विजुअल स्पेशियल स्केच पैड और तीसरे नंबर पर उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात की जो इन दोनों को ही कंट्रोल करता है और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो फोनोलॉजिकल लूप है वो ठीक इकोइक मेमोरी से उसको हम कंपेयर कर सकते हैं और जो विजुअल स्पेशल स्केच पैड है उसको हम आइकॉनिक मेमोरी से कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद इन दोनों ही प्रकार के जो सूचनाएं इसमें आ रही हैं जो प्रोसेसिंग हो रही है उस पर जो कंट्रोल करने वाली जो यूनिट है वो उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का नाम उसमें दिया गया है उस वर्किंग मेमोरी के कंपोनेंट मॉडल में और इसके बाद बाद में इसमें एक और कंपोनेंट जोड़ा गया जिसको एपिसोडिक बफर के नाम से उसको जाना गया जिसको ये मानते हैं कि वो इन तीनों यानी कि एग्जीक्यूटिव मेमोरी यानी एग्जीक्यूटिव जो कंपोनेंट है और फोनोलॉजिकल लूप और साथ ही साथ विजुओ इन तीनों के साथ वो सामंजस्य बनाता है और एक प्रकार से हम एपिसोडिक बफर को लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ जो एसोसिएशन है वर्किंग मेमोरी का उससे वो किस प्रकार से उसको जोड़ता है उसके रूप में भी इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया है तो वर्किंग मेमोरी जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही संबंधित उसको देखा जाता है वो भी यहाँ पर हम उसको देखते हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी का इसके साथ साथ एक दो और उसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जिसमें एक प्लस माइनस सेवन प्लस माइनस टू का जो कॉन्सेप्ट है जिसको मैजिकल नंबर भी कहा जाता है जिसका जो कि मिलर द्वारा प्रपोज़ किया गया और ये मैजिकल नंबर ये दर्शाता है कि किस प्रकार से हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जिसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है केवल कुछ ही उसमें अमाउंट में हम इंफॉर्मेशन रख सकते हैं और इसमें यह देखा गया कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सेवन प्लस माइनस टू दर्शाता है जो रेंज हमारे पास आती है वो पाँच से लेके नौ की रेंज आती है यानी अमूमन जो स्पैन ऑफ मेमोरी यानी इस प्रकार के जो परीक्षण किए गए जिसमें यह देखा गया कि हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितने डिजिट्स या कितने नंबर्स रख सकते हैं तो उसमें ये पाया गया कि मोर और लेस वो पाँच से नौ के बीच की रेंज में ही रहते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे शोध भी किए गए जिसमें ये देखा गया कि ये जो नंबर है इसको बढ़ाया जा सकता है परंतु उसके लिए हमें एक विशेष प्रकार की एक कह सकते हैं कि उसका नाम उस प्रक्रिया का नाम है चंकिंग जिसमें कि हम सूचनाओं को आपस में जोड़ करके उनका एक गुच्छा बना लेते हैं या यूँ कह लें कि उनको आपस में जोड़ देते हैं ताकि वो एक यूनिट की तरह हमें प्रदर्शित होती हैं अगर इसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको यहाँ देना चाहूँ अगर तो चंकिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे सपोज किसी का नंबर है यदि हम उसे याद करना चाहते हैं मोबाइल नंबर और वो कुछ इस कुछ इस प्रकार से है कि नाइन फोर वन नाइन फाइव ज़ीरो एंड उसके बाद हम इसको यहाँ लिख दें वन एट फाइव सेवन तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर है ये अपने आप में एक यूनिट की तरह हम इसको देख सकते हैं क्योंकि ये नंबर एक महत्वपूर्ण तिथि को दर्शाता है जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इंडिया की है ये उस अठारह उसको दर्शाता है तो इस प्रकार से इस उदाहरण में हम ये देख रहे हैं कि हो सकता है हम यहाँ पर इसको एक और ईयर के रूप में इसको हम देख सकते हैं और यहाँ पे यदि हम इसको 1950 न रख के 1947 कर दें तो यहां पर हम देखते हैं कि हम इसको दो तरह से यानी केवल ये दो यूनिट ये चार डिजिट ये दोनों मिला कर के हमारे लिए दो यूनिट होती हैं एक यूनिट ये और एक यूनिट ये मिला करके ये हमारे लिए सिर्फ दो यूनिट होंगी तो इस प्रकार से हम ज़्यादा नंबर्स को अपनी मेमोरी में, में स्थान दे पाते हैं तो ये चंकिंग की जो प्रक्रिया है इससे हम अपनी मेमोरी का जो स्पैन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, में जो सूचनाएं हम रखते हैं उसकी संख्या को हम बढ़ा सकते हैं इसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी की हमने बात की जिसको हमने डिवाइड किया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में और एक्सप्लिसिट मेमोरी को फर्दर हमने डिवाइड किया एपिसोडिक और सीमेंटिक यहां पर एक्सप्लिसिट मेमोरी दर्शाता है हमारी एपिसोडिक और सीमेंटिक मेमोरी को और इम्प्लिसिट मेमोरी हमारी प्रोसीजरल मेमोरी को दर्शाता है और एपिसोडिक मेमोरी को ही ऑटोबायोग्राफिकल तो मेमोरी भी कहते हैं यानी कि ऐसी स्मृति जो हम अपने जीवन से जुड़े हुए जितने भी इवेंट्स हुए हैं यानी हमारी खुद की अपनी गाथा जिसमें हम अपनी लाइफ से जुड़े हुए अपनी जीवनी से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उनकी हमें सूचनाएँ हमारे पास मौजूद होती हैं तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा जो ये टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी कि जो मेमोरी के प्रकार हैं वो इस तरह से हम उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं इसके बाद हम यहाँ प्रयास करेंगे कुछ और मेमोरीज़ के बारे में डिस्कशन करने की जिसके बारे में कई बार हम उनको आ, उनके बारे में सुनते हैं या उनके बारे में हमें सूचना मिलती है और हमको एक कौतूहल होता है कि क्या इस प्रकार की स्मृति होती है या क्या इसकी संभावना है तो इस प्रकार की कुछ मेमोरीज़ हैं जो अक्सर हमारे अंदर कौतूहल पैदा करती हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे एक इसमें एक प्रकार की मेमोरी है जिसे फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहा जाता है और इसको आइडेटिक मेमोरी भी कहते हैं लेकिन इसमें जो इस मेमोरी की विशेषता है उसको इस तरह दर्शाया गया है कि जिन व्यक्तियों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है वो यदि किसी भी चीज़ को एक बार देख लें तो वो उसको याद कर लेते हैं या वो उनके पास वो सूचना लंबे समय तक उपलब्ध रहती है और वो उसको डिटेल में पूरी तरह से शब्दशय जैसी वो मौजूद थी ठीक उसी प्रकार से वो उसको बता देते हैं या उसको बता पाने में सक्षम होते हैं तो इस प्रकार की जो मेमोरी है उसको फोटोग्राफिक मेमोरी का नाम दिया गया है हालांकि बहुत सारे लोगों का ये दावा होता है और कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की मेमोरी बहुत ही शार्प है और बहुत ही फोटोग्राफिक मेमोरी का हम उसे स्टेटस देते हैं परंतु बहुत से शोध में ये पता चला कि अमूमन फ़ोटोग्राफिक मेमोरी होना एक बहुत ही रेयर चीज़ है जो कि देखी नहीं जाती और जिन लोगों के बारे में हमारा ये मानना होता है या वो खुद भी ऐसा मानते हैं अपने बारे में कि उनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है दरअसल उनकी जो मेमोरी है वो बाक़ी लोगों की तुलना में बहुत अच्छी होती है बहुत शार्प होती है लेकिन फिर भी हम उसे फ़ोटोग्राफिक मेमोरी की संज्ञा नहीं दे सकते क्योंकि फ़ोटोग्राफिक मेमोरी में उनके पास सारी सूचनाएं बिल्कुल सही यानी कि एकदम करेक्ट फॉर्म में पूरी डिटेल के साथ सभी सूचनाएं जब उपलब्ध होती हैं तभी हम उसे फ़ोटोग्राफिक मेमोरी की संज्ञा देंगे अदरवाइज़ हम उसको कहेंगे कि उनकी मेमोरी बाकी लोगों से बेहतर है लेकिन आम बोलचाल में कई बार हम उसे फोटोग्राफिक मेमोरी या आइडेटिक मेमोरी भी उसको कह देते हैं इसके बाद एक दूसरे प्रकार की जो स्मृति है जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एपिसोडिक मेमोरी भी कहते हैं और आगे हम इसकी चर्चा करेंगे जिसको हाइपरथाइमिशिया भी कहते हैं इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन से जुड़े हुए बहुत से तथ्य और लगभग लगभग सारे इवेंट्स को वो हु बता पाते हैं कि उनके साथ उस समय में उस डेट में उस पर्टिकुलर इवेंट में क्या क्या हुआ उसमें क्या क्या घटनाएं घटीं इस प्रकार से वो सारी डिटेल्स उनको याद रहती हैं और वो उनको आसानी से बता पाते हैं और वो यूँ कह लीजिए कि उनके पास हमेशा एक मूवी की तरह वो चलता रहता है और वो उनको उसकी स्मृति हमेशा बनी रहती है और वो उसको पूरी सटीकता के साथ उसको बता पाते हैं एक ऐसी महिला आ, को देखा गया जिसके पास इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एपिसोडिक मेमोरी थी लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जैसे कि इस प्रकार की जो स्मृति होती है वो हमें शुरू में ये प्रतीत हो सकता है कि हमें इस तरह की मेमोरी यदि हमारे पास हो स्मृति हो तो हमें बड़ा लाभ होगा हम अपने जीवन से जुड़े हुए सभी तथ्यों को एकदम सटीकता से याद रख पाएंगे लेकिन हमारी स्मृति के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कई बार हमारे लिए जो सूचनाएं ज़रूरी हैं और जो सूचनाएं गैर जरूरी हैं उनमें फर्क करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सूचनाएं ज़रूरी हैं उन्हें तो हम रखते हैं उन्हें तो हम स्टोर करते हैं परंतु जो गैर ज़रूरी हैं जो हमारे लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे लिए कष्टकारी हैं या जो हमें हमें जिन सूचनाओं से नुकसान होता है उन सूचनाओं को हम चाहते हैं कि वो हमारे पास उस तरह से हमें याद ना आएँ या हम उनको किसी प्रकार भुला दें जो जिनको हम कहते हैं कि वो हमारे लिए ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ हैं या कुछ डिस्टर्बिंग मेमोरीज़ हैं तो इस प्रकार की जो मेमोरीज़ हैं वो भी इस प्रकार के लोगों को बार बार याद आती हैं यानी कि वो अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के जो अपने जीवन से जुड़े हुए अनुभव हैं वो उनको बहुत सटीकता से याद कर पाते हैं या यूं कह लें कि वो हमेशा उनके पास उनके सामने उपलब्ध रहते हैं तो इस प्रकार की मेमोरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं इसके बाद हम बात करेंगे सुपर मेमोरी फॉर फेसेस की ये एक इस प्रकार की मेमोरी है जो कुछ लोगों में यानी कि एक शोध से ये पता चला कि लगभग दो प्रतिशत दो प्रतिशत लोगों में इस प्रकार की ये आ, एबिलिटी होती है कि वो अपने जो भी फेसेस उन्होंने देखे हैं जितने भी चेहरे वो देखते हैं रोज़मर्रा के अपने जीवन में चाहे उन्होंने उसको बहुत ही कम समय के लिए क्यों ना देखा हो बहुत उससे ज़्यादा उन्होंने बातचीत भी ना की हो बहुत डिटेल में उससे उससे हालचाल भी ना लिया हो उसका नाम भी ना जानते हों उसके बावजूद वो उस चेहरे को पहचान जाते हैं और जब कभी बाद में वो उस व्यक्ति से मिलते हैं तो वो उसको बता सकते हैं कि मैंने आपको वहाँ देखा था या मैंने उस जगह पर आपको देखा था तो इस प्रकार से उनकी जो मेमोरी है फेसेस की मेमोरी जो चेहरों को पहचानने की जो उनकी स्मृति है वो बहुत बेहतरीन होती है तो इस प्रकार के कुछ लोग जो होते हैं उनको ये माना जाता है कि उनकी मेमोरी फेस को याद करने की उनकी बहुत अच्छी होती है इसके बाद जो एक बहुत ही रोचक मेमोरी है वो है फ्लैश बल्ब मेमोरी और ये ए, एक ऐसी मेमोरी को कहा जाता है जो कि किसी बहुत ही इमोशनली प्रोवोकिंग इवेंट यानी कि एक ऐसी घटना जिससे हमारा कोई बहुत गहरा इमोशन जुड़ा हो या जो हमारे लिए बहुत ड्रामेटिक हो या किसी प्रकार से वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो इमोशनली चार्जिंग इवेंट हो इस प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं या उससे जुड़े हुए जो इवेंट्स होते हैं वो हमें बहुत ही फाइन डिटेल्स में याद रहते हैं या उस समय पर हम क्या कर रहे थे हम किस पोस्टर में बैठे थे या वहाँ पर हम किससे बात कर रहे थे कमरे में कौन कौन मौजूद था उस वक्त घर में कौन क्या खा रहा था या कौन क्या कहाँ बैठा था ये सब बातें हमें ऐसा लगता है कि हमें पूरी तरह से याद हैं और इसको समझने के लिए एक साधारण उदाहरण आप ले सकते हैं जैसे हाल ही में अगर हम कहें तो ये हमारे जीवन काल में एक महत्वपूर्ण तो घटना हुई जब हम ये कह सकते हैं कि भारत ने विश्व कप जीता था 2011 में क्रिकेट का विश्व कप तो उस दौरान बहुत सारे लोग ये बता पाते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब भारत ने विश्व कप जीता या फिर जब पुराने लोगों से जो कि थोड़े ओल्ड एज के लोग हैं उनसे जब पूछा जाता है कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपने ये सुना कि इंदिरा गांधी का असेसिनेशन हो गया है तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं या जब राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ क्योंकि ये जो इस प्रकार की घटनाएं हैं और इस तरह के और भी शोध किए गए जो अमेरिकन सेटिंग्स में किए गए वहाँ पर उनसे ये प्रश्न किए गए कि जब ट्विन टावर अटैक हुआ तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे और आपकी क्या मेमोरीज हैं उससे रिलेटेड क्योंकि ये जितने भी इवेंट्स हम यहाँ पर बता रहे हैं दर्शा रहे हैं ये बहुत ही शॉकिंग इवेंट्स हैं इमोशनली बहुत ही चार्ज इवेंट्स हैं हमें वहाँ पर ये प्रतीत होता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रामेटिक घटनाएं हैं जो कि जीवन में रोज़मर्रा नहीं होती तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनमें बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं और ये देखा गया है फ्लैश बल्ब मेमोरी की से रिलेटेड जो शोध किया गया है उसमें ये देखा गया है कि हमारे स्मृति में बहुत सारे जब इमोशंस जनरेट होते हैं तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं जो हमारी मेमोरी के कॉन्सोलीसन में जिनका बहुत बड़ा रोल होता है और चूंकि इस तरह के इवेंट हाईली इमोशनल होते हैं तो इस प्रकार के इवेंट्स में इस प्रकार के जो हॉर्मोन्स हैं उनका सेक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से जो मेमोरी फॉर्मेशन है वो बहुत फाइन डिटेल में होती है बहुत ही विविड यानी कि उसका कलेक्शन हमारे पास जो होता है उस मेमोरी का वो बहुत आ, सटीकता के साथ हम उसको प्रस्तुत कर पाते हैं हालांकि इसके भी बारे में जो शोध हुए उनसे ये पता चला कि जो ये बताया गया है कि इस प्रकार की जो स्मृति है वो पूर्ण रूप से करेक्ट होती है या फिर वो उसमें जो डिटेल्स हम बताते हैं वो बिल्कुल सही होती हैं आगे बहुत से शोध में ये देखा गया कि जो हमारा ये मानना है ये बहुत हद तक पूर्णतया सही नहीं है क्योंकि इस तरह की स्मृति में भी कुछ ना कुछ यूँ कह लीजिए कि उसकी जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरह से उतनी सटीक नहीं होती जितना कि हम उनको मानते हैं क्योंकि समय के साथ हमारे उस स्मृति में भी बदलाव होता रहता है और कहीं ना कहीं उसमें हमारे और व्यक्तिगत अनुभव और समय के साथ बीतते हुए उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं लेकिन फिर भी उस स्मृति को हम ये कहेंगे कि वो हमारी बाकी स्मृतियों की तुलना में वो ज्यादा डिटेल में और ज्यादा सटीकता के साथ हमें याद रहती है तो फ्लैश बल्ब मेमोरी इस तरह से हमारे इमोशन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्मृति है हमने अनयूजल मेमोरीज के बारे में बात की अब इसके बाद हम जो अगला हमारा जो टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करेंगे जो कि मेमोरी से ही रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फॉरगेटिंग उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे स्मृति में जो विलोपन होता है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि हमें ये समझ आए कि कई बार जब हम मेमोरी को जब हम दोबारा से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें कई बार हमारे उस प्रयास में हम विफल हो जाते हैं तो हमें ये लगता है कि वो सूचना हमारे पास मौजूद नहीं है या फिर हम कह लें कि मेमोरी का फेलियर हो गया तो इस प्रकार की जो जो घटना है या इस प्रकार का जो इवेंट है हम उसको फॉरगेटिंग यानी विस्मरण कहते हैं और यहाँ पर हमारा स्मृति लोप हो जाता है और हमें इस प्रकार की सूचना जो भी पूर्व में हमें लगता था कि हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास मौजूद नहीं रहती तो यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ एक और तथ्य है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया पिछले अपने चर्चा में जैसे हमने एक ऐसी महिला का उदाहरण देखा जिसको अपने जीवन से अपनी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो बहुत ही सटीकता से उसको याद हैं तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उसको हम हाइपरथाइमिसिया कहते हैं और इस तरह की कंडीशन की जो एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो सूचनाओं को भूल नहीं पाते यानी जिस प्रकार से उन्हें कुछ सूचनाओं को जो उनके लिए ज़रूरी नहीं हैं या जो उनको कष्ट पहुंचा रही हैं या जो उनके लिए नुकसानदेह हैं वो उन सूचनाओं को समय के साथ हम डिस्कार्ड कर देते हैं या उनको हम अपनी स्मृति से निकाल देते हैं तो ये जब हम नहीं कर पाते तो इस प्रकार की कंडीशन कभी कभी हमारे लिए बहुत ही आ, कह सकते हैं कि कष्टकारी हो जाती है तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उसको हाइपरथाइमिशिया हम कहते हैं अब इसके बाद हम बात करेंगे एबिंग हॉस की जिनकी हमने अपने पिछले सत्र में भी चर्चा की थी और वहाँ पर हमने ये देखा था कि किस प्रकार से एबिंग हॉस ने अपने शोध में ये दर्शाया कि जो स्मृति है वो किस प्रकार से उसका निर्माण हो रहा है और उसके लिए उन्होंने नॉनसेंस सेंस की रचना की जो कि हमारे लिए नए होते हैं और हम उनको आ, कोई उसका अर्थ तो नहीं होता लेकिन हम उन उनको एक आ, कह सकते हैं कि एक तारतम्यता के साथ उनको हम बोल सकते हैं प्रोनाउंस कर सकते हैं इसके लिए एबिंग हॉस ने जो हम कह सकते हैं कि जो यूज़ किया था उसको हम सीवीसी पैटर्न कहते हैं यानी सी स्टैंड फॉर कॉन्सोनेंट वी स्टैंड्स फॉर वॉवेल एंड अगेन सी स्टैंड फॉर कॉन्सोनेंट तो यहां पर उन्होंने इस पैटर्न पर बहुत सारे नॉन सेंस सेलेबल्स की रचना की और इस नॉन सेंस सेलेबल्स की मदद से उन्होंने जो शोध किया उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो उसमें कुछ फाइंडिंग्स बहुत ही रोचक हैं जिसमें से एक फाइंडिंग को उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व का नाम दिया जो कि इस प्रकार से है यहां पर हम देखते हैं कि y एक्सिस पे करेक्ट रिस्पॉन्स है और एक्स एक्सिस टाइम को दर्शा रहा है तो ऐसे में जो करेक्ट रिस्पॉन्स है ये यह यहां पर वन आवर फाइव आवर और उसके बाद ये वन डे टू डे थ्री डे और फोर डे यानी कि ये पूर, एक पूरा दिन यहाँ पर बीत गया ये पहला घंटा वन आवर और ये फोर आवर्स और ये एट आवर्स इसको हम आवर्स में रखते हैं और ये यहाँ पर एक दिन का समय बीत जाता है और इसको हम टू डेज़ और थ्री डेज़ के रूप में देख सकते हैं और यहां पर जो देखा गया कि जो स्मृति है वो उसमें जो गिरावट देखी गई वो कुछ इस प्रकार से और इसको उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व का नाम दिया एबिंग हॉस ने और इसमें फॉरगेटिंग कर्व में जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो पाई वो ये थी कि अमूमन 24 घंटे बीतने के बाद हमारी बहुत सारी जो स्मृति नई बनी थी वो उसमें विलोप हो जाता है यानी कि फॉरगेटिंग हो जाती है और जो स्मृति उसके बाद बचती है वो कुछ हद तक काफ़ी लंबे समय तक रहती है यानी कि जब बल्क में हम कोई चीज़ याद करते हैं नई स्मृति बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी स्मृति शुरुआत में ही वो वो हमारी स्मृति का विलोपन हो जाता है यानी वो विस्मृत हो जाती है और फॉरगेटिंग वहाँ पर होती है इस उनकी शोध में जो उसका क्रिटिसिज्म हुआ यानी बाद में जो उसकी आलोचना की गई वो सबसे ज़्यादा इस बात पर की गई कि एबिंग हॉस ने कुछ ऐसे जो मटेरियल लिए थे अपनी शोध में क्योंकि वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित नहीं है तो इस प्रकार के जो शब्दों की मेमोरी बनती है वो अमूमन उतनी स्थाई नहीं होगी क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है लेकिन जो हमारे जीवन में उपयोगी चीज़ें हैं उनकी स्मृति दूसरे तरीके से यानी ज़्यादा प्रभावी तरीके से बनेगी लेकिन बहुत सारे शोधों से ये दर्शाया गया कि जो फॉरगेटिंग का जो कर्व है वो कहीं ना कहीं जो एबिंग हॉस ने दर्शाया था वो ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है यानी कि जो दूसरी सूचनाएं भी हम जो हमारे लिए ज़रूरी हैं या रेलेवेंट हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी फॉरगेटिंग कर्व को फॉलो करती हैं या उसी पैटर्न को दर्शाती हैं तो उस प्रकार से एबिंग हॉस का ये फॉरगेटिंग कर्व का जो ये उन्होंने शोध किया जो उस शोध के आधार पर उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व का जो फिनोमिन बताया वो बहुत हद तक हमारी फॉरगेटिंग को दर्शाता है कि किस प्रकार से शुरुआती समय में यानी पहले 24 घंटे बीतने के बाद एक बड़ा जो सूचना का हमारा जो कह सकते हैं जो आ, हमारी बड़ी सूचना का एक पार्ट वो मिस हो जाता है यानी फॉरगेट हो जाता है तो ये फॉरगेटिंग कर्व का जो एबिंग हाउस का जो उन्होंने दर्शाया था वो बहुत हद तक ज़्यादातर शोधों में उसको ये पाया गया कि वो सही तरीके से उसको दर्शाता है इसके बाद हम बात करते हैं फॉरगेटिंग के जो कारक हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कारक ये भी है कि यदि हमारी जो एनकोडिंग के स्तर पर जब सूचना हमें मिली यदि उसी स्तर पर वो हमें उसकी एनकोडिंग ठीक से नहीं हुई तो उस वजह से भी हमारी मेमोरी जो है उसके निर्माण में जो बाधा आती है और इस कारण से भविष्य में जब हम उस सूचना को दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं तो चूंकि एनकोडिंग के समय में ही उस सूचना की वो एनकोडिंग फेलियर की वजह से उस सूचना का आगे मेमोरी इस्टेब्लिश ही नहीं हुई इस वजह से भी फॉरगेटिंग देखी गई है इसके बाद फॉरगेटिंग से जुड़ी हुए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे इसमें जो पहली थियोरी है जो सिद्धांत है उसको डी के थियोरी कहते हैं यानी कि ये थियोरी ये दर्शाती है कि किस प्रकार से जो सूचनाएं हैं वो समय के साथ उनका डी हो जाता है यानी कि वो सूचनाएं हमारे मस्तिष्क से उनकी स्मृति खत्म हो जाती है और इसको एक हम उदाहरण से समझ सकते हैं जिसमें अगर आपने कभी एक ऐसा रास्ता देखा हो जिस पर लोग जब लगातार चलते हैं जिस रास्ते से तो वहाँ की जो घास है वहाँ पर एक पगडंडी सी बन जाती है यानी कि वहाँ की जो 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 रास्ता है उस पर लोग जब लगातार चलते हैं तो वहाँ पर वो घास ख़त्म हो जाती है और एक रास्ते का वहाँ निर्माण हो जाता है तो ठीक इसी प्रकार से हमारी मेमोरी वो भी एक ट्रेस बनाती है यानी कि एक ऐसा अपनी छाप छोड़ती है हमारे न्यूरॉन्स में हमारे ब्रेन के अंदर कि जब भविष्य में हम दोबारा उसे खोजना चाहते हैं तो हम उसे उस ट्रेस के माध्यम से उसको वहाँ पर लोकेट कर पाते हैं उसे हम वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं लेकिन कई बार जब समय के साथ वो मेमोरी उसका यूज़ नहीं होता इसीलिए जब लॉन्ग टर्म मेमोरी की उस मेमोरी की बात की जाती है जिसका फॉरगेटिंग हो जाती है तो वहाँ पर इसको डिसयूज़ थियरी भी कहा जाता है क्योंकि लंबे समय तक जब उस सूचना की हम आ, का इस्तेमाल नहीं करते या उसको हम दोबारा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते तो इस तरह की सोच आ, सूचना जो है वो वहाँ से उसको हम दोबारा ट्रेस नहीं कर पाते तो इसमें जो उदाहरण हमने अभी देखा था पगडंडी का यदि उस रास्ते पर बहुत दिनों तक कोई ना जाए तो दोबारा से हम ये पाते हैं कि उस पगडंडी पे दोबारा से घास जम जाती है और इस कारण से वो रास्ता जो पहले दिखता था वो उतनी सही तरीके से वो रास्ता नहीं दिखता तो इसी प्रकार से मेमोरी में भी हमारे जो ट्रेसेस हैं वो अगर उनको लंबे समय तक इस्तेमाल ना किया जाए या उनको दोहराया ना जाए या उनको हम इस्तेमाल में ना लाएं तो वो उनका भी एक डीके या डिसयूज़ की वजह से उनका भी हमारी स्मृति से वो ख़त्म हो जाते हैं या यूँ कह लीजिए कि हम उसको दोबारा लोकेट नहीं कर पाते जिस वजह से फॉरगेटिंग होती है इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है इससे जुड़ा हुआ विस्मरण से और उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस थियोरी और इंटरफेरेंस थियोरी ये दर्शाती है कि हमारी जो सूचनाएं हैं वो केवल उनको इस्तेमाल न करना यानी कि डिसयूज़ और डीके ही केवल एक कारण नहीं है हमारी फॉरगेटिंग का बल्कि एक और कारण है जब सूचनाएं आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं या यूं कह लें कि टकराती हैं जब उनके बीच में आपसी टकराव होता है तो इंटरफेरेंस की वजह से बहुत सारी सूचनाएं वो फॉरगेटिंग उनकी हो जाती है और इसमें दो प्रकार की फॉरगेटिंग देखी गई है जिसमें कि एक तरह की फॉरगेटिंग को प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और दूसरे तरह की फॉरगेटिंग को रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और इसको समझने के लिए हम इसको एक प्रकार से देखें यदि तो अगर आप इसको एक उदाहरण में रखें तो अगर आपको अभी हम यहाँ पर एक सिंपल सा उदाहरण रखने का प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ पर हिंदी विषय का एक पेज उसका कुछ याद करने के लिए आपको कहा गया और उसके ठीक बाद आपको एक दूसरा टास्क दिया गया जिसमें आपको इंग्लिश का कुछ मटेरियल याद करने को दिया गया तो ये आपकी एक्टिविटी ए हो गई और ये एक्टिविटी बी हो गई और इस तरह की एक्टिविटी में जब आपसे दोबारा यहाँ पर अगर हम इसको प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन रखें तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में हम ये देखते हैं कि जो पूर्व में हमारी जो सूचना हमने याद की है वो हमारी बाद में याद की हुई सूचना को इंटरफेयर करती है यानी हिंदी यहाँ पर इंग्लिश को इंग्लिश की हमारी जो हमने याद की है जो हमें लिस्ट दी गई है या जो भी हमें उससे रिलेटेड जो मटेरियल दिया गया है याद करने को उसको प्रभावित करेगी यानी कि जब बाद में हमसे ये कहा जाएगा कि आप इस लिस्ट को दोबारा बताइए या इसमें जो भी आपने याद किया है आप उसको रिकॉल करिए तो हमें पूर्व में जो हमने पढ़ा है या याद किया है उसकी वजह से जो हमारी स्मृति बनी है वो हमारी बाद में बनी हुई स्मृति में उसके साथ वो टकराएगी इंटरफेयर करेगी और इस वजह से ये जो इंटरफेरेंस है इसको हम प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और इसी कंडीशन को जब हम दोबारा देखते हैं यहां पे भी हम इसको ए और बी की संज्ञा अगर दें जहां पे ए हिंदी विषय से संबंधित कुछ हमने याद किया और बी हमने इंग्लिश विषय से संबंधित कुछ याद किया और ये रिट्रोएक्टिव कंडीशन तब होगी जब इस कंडीशन में हमने जो बाद में याद किया है ये यदि हमारे पूर्व में याद किए हुए आइटम को या जो मैटर हमने याद किया है जब उसके साथ इंटरफेयर करता है तो हम इसको रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और ऐसे में हमें जब ए लिस्ट जो हमने याद की है इसके बारे में जब हमसे पूछा जाएगा या हमसे इसको बताने को कहा जाएगा तो जो हमने अभी लेटेस्ट जो याद किया है जो लिस्ट बी जो कि बाद में हमने याद की है वो कहीं कही ना कहीं हमारे लिस्ट ए की जो हमारी मेमोरी है उसके साथ इंटरफेयर करेगी और इस तरह से प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हमारी मेमोरी को प्रभावित करता है और इस प्रकार का जो इंटरफेरेंस है सूचनाओं का आपस में जो टकराहट है उसमें पूर्व में याद की गई सूचना जब बाद में याद की जाने वाली सूचना को इंटरफेयर करती है तो उसको प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और बाद में याद की हुई सूचना जब हमारी पूर्व में याद की गई सूचना को इंटरफेयर करती है उसको याद रखने में या उसकी स्मृति बनाने में जब वो हमें दिक्कत करती है तो इस प्रकार की जो इंटरफेरेंस है उसको रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस की संज्ञा दी गई है तो इस प्रकार से ये दोनों ही जो इंटरफेरेंस हैं ये मौजूद होते हैं और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसीलिए स्मृति से संबंधित खासकर छात्रों को ये हमेशा ये एडवाइस दी जाती है कि आप जब भी कुछ पढ़ें तो उसको आप एक बंग बल्क में न पढ़ें यानी कि बहुत ज़्यादा मैटर एक ही साथ आप न पढ़ें और उसको आप थोड़ी स्पेसिंग करके अगर थोड़ा समय बीच बीच में ले करके उसको पढ़ेंगे और प्रॉपर रेस्ट करेंगे तो आपकी जो स्मृति जो बनेगी जो मेमोरी बनेगी वो बहुत मजबूत होगी और उसको आप बाद में बेहतर तरीके से उसको रिट्रीव कर पाएंगे यानी भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो आप उस स्मृति को पुनः प्राप्ति करने में आपको आसानी होगी और वो सूचनाएं आपस में एक दूसरे से इंटरफेरेंस उनका बहुत ज़्यादा नहीं होगा इसी तरह से एक और सिद्धांत है जिसको हम इनिबिशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और इनिबिशन थ्योरी में कई बार इस तरह की भी कंडीशन आती है कि हमारी एक सूचना जो है वो दूसरी सूचना को याद होने में या उसकी मेमोरी बनने में उसको रोकती है और ऐसे में इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसमें एक जो हम सूचना याद करते हैं वो दूसरी सूचना के साथ उसको इनिबिट करती है यानी कि उसको रोकती है और इस तरह से भी फॉरगेटिंग का ये एक कारण बनती है तो इनिबिशन जो सिद्धांत है वो भी हमारी फॉरगेटिंग को एक्सप्लेन करने का एक सिद्धांत है तो इस प्रकार से हमने देखा कि फॉरगेटिंग को समझाने के लिए या फॉरगेटिंग को की प्रक्रिया को समझने के लिए डी के थियरी और जिसको डिस्यूज थियोरी भी कहते हैं इसके साथ साथ इंटरफेरेंस थियोरी और उसके साथ साथ इनिबिशन थ्योरी तो इस प्रकार की जो ये सिद्धांत हैं ये हमारी फॉरगेटिंग की प्रक्रिया को समझने में हमें मदद करते हैं और आज के अपने इस सत्र से हमने मेमोरी से संबंधित यानी कि स्मृति के जो महत्वपूर्ण तो मॉडल्स हैं और उसके जो टाइप्स हैं और साथ ही साथ जो कुछ अनयूजअल मेमोरीज हमारे अंदर होती हैं या पाई जाती हैं या उसके बारे में हम जानते हैं या उसका हमें एक कौतूहल होता है और साथ ही साथ जो फॉरगेटिंग की प्रक्रिया है किस प्रकार से सूचना जो मेमोरी हमारे अंदर है वो किस प्रकार से उसकी फॉरगेटिंग होती है और उसके क्या क्या कारण होते हैं तो उससे संबंधित हमने कुछ सिद्धांतों की आज चर्चा की तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस सत्र से आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिली होगी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद